दोस्तों, कोरोना के कहर के कारण एक लंबे समय से सिनेमाघरों में ताला लगा हुआ था, जिस कारण से फिल्म मेकर्स और सिनेमाघरों के मालिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। हाल ही में दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में सिनेमाघरों को 50% ऑक्यूपेंसी के साथ खोलने का फैसला किया है। ऐसे में अब जो फिल्म मेकर्स फिल्मों के थिएटर में रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, ये उनके लिए एक खुशी की खबर है। ऐसे में फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर बिग बजट की फिल्मों के सिनेमाघरों में रिलीज होने की आशा बढ़ गई है। इस लिस्ट में सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम भी शामिल है। अब जहां कुछ राज्यों में 50% ऑक्यूपेंसी के साथ सिनेमाघरों को खोलने की ऑफिशियली परमिशन मिल गई है, तो वहीं अभी भी महाराष्ट्र में सिनेमाघर खुलने की अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में सिनेमाघर को खुलने की अनुमति मिलती है तो बेल बॉटम जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी। हाल ही में महाराष्ट्र के प्रमुख प्रदर्शकों में से एक अक्षय राठी प्रतिक्रिया देते हैं कि दिल्ली सरकार के 50% ऑक्यूपेंसी वाले सिनेमाघरों को फिर से खोलने के फैसले का बहुत स्वागत है। हम वास्तव में आशा करते हैं कि महाराष्ट्र, जिसे हिंदी फिल्मों का गृह राज माना जाता है, वो भी सिनेमाघर खोलने की अनुमति देगा। राज्य में सिनेमाघरों को कम से कम अपनी रोटी कमाने का अधिकार है। आपको बता दें कि अगस्त में मुंबई को खोलने की इजाजत मिली तो सिनेमाघर वापस खोले जा सकते हैं। अगर महाराष्ट्र में सिनेमाघर खुलते हैं तो अक्षय कुमार स्टारर बेल बॉटम 15 अगस्त को रिलीज हो सकती है। कुछ वक्त पहले ही अक्षय कुमार ने इस बात की ऑफिशियली अनाउंसमेंट की थी कि बेल बॉटम फिल्म थिएटर में रिलीज होगी। एक्टर ने बताया कि मुझे पता है आपने बेल बॉटम के रिलीज होने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया है। फिल्म दुनिया भर में बड़े पर्दे पर आ रही है 27 जुलाई को। अक्षय के इस ऐलान से फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई थी। आपको बता दें कि एक लंबे समय से अक्षय की कोई भी फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हुई है। ऐसे में बेल बॉटम अब थिएटर में रिलीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। वेल, सवाल फिर भी यही है कि क्या फिल्म अगर रिलीज होती है थिएटर में तो ऑडियंस क्या थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस की तरफ रुख करेगी? आपकी क्या राय है, क्या आप फिल्म देखने जाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।